फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे होंगे, ए टू जेड क्लासेज। बहुत सोच समझ के रखे ये नाम मैं रखने के कंक्लूजन पर पहुंचा हूं। क्यों? ए टू जेड मींस आप ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम्स आप दे रहे होंगे या फ्यूचर में देने वाले हो, मेरे तरफ से जितना हो सके उस एग्जाम में मैं मदद कर सकूं। और ए इनिशिएटिव के पर्पस मेरा कोई इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंशियल पर्पस नहीं है। मींस जितना से जितना उतना मेरे साइड से स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके, इसके लिए मैं भले ही देर हो, पिछले 7 सालों के एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मैं आज ये इनिशिएटिव लेकर के आया हूँ, जिससे बच्चों को जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हेल्प कर सकूं। जैसे आप कोई भी एग्जाम जब दे रहे होंगे तो उस एग्जाम में जीएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और ये जीएस डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कंबाइन करने के बाद बनता है। जैसे ये जीएस में क्या होगा, आपको पता होगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, या इसी को मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंडियन इकोनॉमी पार्ट हम लोग कवर करते हैं। और जनरल साइंस मींस साइंस वाले पार्ट भी आ जाता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे, मैं ट्राई करूंगा अपने साइड से जितना हो सके एज मच एज पॉसिबल आप लोग को मदद कर सकूं। तो हम लोग क्या करेंगे, और सारे जीएस पोर्शन का आप देखते होंगे, मेन बेस एनसीईआरटी ही होता है, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, इंडिया का हाईएस्ट लेवल का एग्जाम यूपीएससी, किसी भी आप एजुकेटर से पूछ लो या किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से आप बात कर ले या कोई भी सीरियस एक्सपीरियंस से बात कर ले जो अभी एट प्रेजेंट तैयारी कर रहे हो, उनसे बात करो, वो पहले आपको सजेशन देते होंगे एनसीईआरटी से शुरुआत कर लो बेटा, 6th to 12th class से। 6th to 12th class एनसीईआरटी किसका, सारे जीएस पोर्शन का। मींस आप जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, प्लस साइंस पोर्शन में हम क्या करेंगे, 6th to 10th साइंस। बेटा साइंस में 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। हाँ, भले आप साइंस पोर्शन से तैयारी करो जैसे आईआईटी मेडिकल तो आप पढ़ सकते हो। मींस हमारा टारगेट क्या होगा, मैं कवर करूंगा ये 4 मेनली टॉपिक्स एनसीईआरटी से, साइंस 6th to 10th। मींस 6th to 12th आपका होगा ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इंडियन इकोनॉमी। आफ्टर दैट साइंस हम लोग कवर करेंगे 6th to 10th में, जनरल साइंस आप बोल सकते हो। हमारा चैनल स्टार्ट करने का मकसद यही है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ माय फ्रेंड्स, अब वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं कि अभी तो जैसे हम लोग को पता है कि मार्च टू जून ऑलमोस्ट इसे बोल सकते हो मंथ्स ऑफ एग्जामिनेशंस। मींस मैक्सिमम एग्जामिनेशंस का साइकिल आप देखोगे तो इसी मंथ्स के बीच में ऑलमोस्ट सारे एग्जामिनेशंस आते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि इस मंथ तक मैक्सिमम चीज़ें जितना हो सके हम कर सकें, डिटेल करूंगा, आराम से करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई टाइम की ऐसी फिक्स्ड टाइम नहीं है कि हमें करना ही है या टारगेट बेसिस पे नहीं है। जस्ट फॉर फन ये इनिशिएटिव है, जस्ट फॉर सोशल काउज, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। तो हम लोग शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स, अब आते हैं वन बाय वन हम लोग कैसे इस क्लासेज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको मैं बताया सारे एनसीईआरटी में, बट मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा एनसीईआरटी किस सब्जेक्ट का। तो बेटा एनसीईआरटी सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ज्योग्राफी का। बोलो सर ये क्यों, ज्योग्राफी क्यों,
तो आप पता करना, ज्योग्राफी एक तो टेक्निकल सब्जेक्ट माना जाता है, आगे चल करके भी देखोगे यूपीएससी के फील्ड में ऑप्शनल चूज करने वाले जितने साइंस बैकग्राउंड के होते हैं ज्योग्राफी चूज करना चाहते हैं। इस कारण से मैं चाह रहा हूँ ज्योग्राफी ही स्टार्ट करूँ, और ज्योग्राफी में भी लोग बताते हैं 6 to 12, लेकिन जैसा कि मैं बताया एग्जाम भी पास है, तो सबसे पहले मैं 12th क्लास का ज्योग्राफी ही स्टार्ट करूंगा, 12th क्लास। और आप लोग कभी ये मत सोचना इसे डायरेक्ट क्या समझ में आएगी, मेरा प्रॉमिस है 1 by 1 क्लियर करके चलूंगा, ईच एंड एवरी कंसेप्ट विल बी क्लियर, क्योंकि पिछले लगभग 7 सालों का एक्सपीरियंस के बाद एक क्लियर हो चुका है कि स्टूडेंट्स को दिक्कत होती कहाँ, वो क्लियर करके चलूंगा। 12th का ज्योग्राफी जैसे हम खत्म कर लेंगे तो ट्राई करेंगे कि फिर 12th का पॉलिटी, 12th का हिस्ट्री एंड 12th का इको भी आपको खत्म कर दें, ताकि कम से कम 12th क्लास का बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारे वेल विशर्स हैं, उनको भटकना ना पड़े कि कौन सा ऐसा प्रॉपर बुक्स या चैनल फॉलो करें, ताकि हमारा बेसिक चीज़ें एटलीस्ट क्लियर हो जाए। और नाम होगा NCERT क्लासेज मेरे चैनल्स का, लेकिन आप देखना फील करोगे NCERT से काफ़ी होलिस्टिक वे में आपको सोचने का कैपेसिटी मैं डेवलप करवा दूंगा, ताकि आप चीज़ों को जो देश दुनिया में हो रहा है उसके साथ आप लिंक कर सके स्टैटिक सब्जेक्ट्स को। इससे आपको क्या होगा कि एंसर राइटिंग में भी हेल्प होगा, जो आगे चल के या तो बोर्ड के हमारे जो फ्रेंड्स दे रहे होंगे तैयारी करेंगे इस बार 12th बोर्ड, उनके लिए हेल्प होगा, या PCS का मेंस या UPSC का मेंस या किसी भी और रिटेन एग्जाम्स मेंस में वो जो थिंकिंग कैपेबिलिटी मैं डेवलप करवाऊंगा उससे आप इजीली क्रैक कर सकते हो कोई एग्जाम, फ्यूचर इजी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं 12th क्लास को किस तरह से कवर करेंगे। तो मेरा एक यूनिक वे है, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे 12th क्लास में भी बेटा 2 बुक्स होते हैं जियो का, बुक फर्स्ट एंड सेकंड होता है, बुक सेकंड, 2 बुक्स होते हैं 12th क्लास में। अभी तक तो बहुत सारे लोग यही नहीं क्लियर होगा कि बुक्स कितने होते हैं, तो 12th क्लास में 2 बुक्स हैं बेटा। सेकंड बुक्स में टोटल आप देखोगे 12 चैप्टर्स होंगे, सेकंड बुक में आप टोटल देखोगे बेटा तो कितने होंगे बेटा 12 चैप्टर्स, एंड फर्स्ट बुक में आप देखोगे 10 चैप्टर्स होंगे, 10 चैप्टर्स होंगे, सेकंड बुक में 10 चैप्टर्स होंगे। अब ऐसे भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए बताया हूँ ये होगा यूनिक वे ऑफ NCERT जो अभी तक नहीं आप मार्केट में देखते हो, कि मैं बुक 1 स्टार्ट किया चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, या बुक सेकंड स्टार्ट किया चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, सेकंड 4, नहीं, मेरा होगा जहाँ पे इंटरलिंकिंग पॉसिबल है मैं इंटरलिंकिंग कर दूंगा, ताकि एक मेहनत में दोनों बुक का यदि सिमिलर कंसेप्ट हो तो आपके हाथ में हो। जैसे एग्जाम्पल 1 ही मैं दे देता हूँ, सेकेंड वाले बुक जिसका नाम है, आपके पास मैं सामने लेकर के आता हूँ दोनों बुक, NCERT 2 बुक्स है हमारे पास हाथ में, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी सेकेंड बुक ये है, और फर्स्ट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ वुमेन ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ वुमेन ज्योग्राफी। तो जैसा कि आप देखोगे सेकेंड वाले बुक का चैप्टर 1, सेकेंड वाले बुक का आप देखोगे चैप्टर 1, एंड फर्स्ट वाले बुक का बेटा चैप्टर 2, चैप्टर 2, दोनों का नाम आप मैच कर लेना और कंसेप्ट मैच कर लेना। इसमें होगा पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, किसके रिस्पेक्ट में, इंडिया के रिस्पेक्ट में, एंड एट द सेम टाइम जब फर्स्ट बुक हम चलेंगे तो उसमें बस पॉपुलेशन का डिफरेंट जैसे डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, मीन्स हम ये वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन का डिस्कस करेंगे और ये इंडिया के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन का डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन का डिस्कशन करेंगे। प्लस में जब 3rd चैप्टर आप चलोगे बुक 2 का ही, तो उसका चैप्टर का नाम होगा बेटा पॉपुलेशन कंपोजिशन। एट द सेम टाइम आप बुक सेकंड का फर्स्ट चैप्टर का नाम भी देखोगे तो उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन। फिर से मैं समझा दे रहा हूं ताकि एक ही कंसेप्ट में, एक ही मेहनत में 3 चैप्टर मेरे हाथ में होगा। जैसे अगेन
बुक सेकंड का चैप्टर फर्स्ट विथ द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, पॉपुलेशन एंड डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स कंपोजिशन। जब हम लोग बल्ड वाले बुक में फिर स्विच करेंगे तो इसके चैप्टर सेकंड बल्ड के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेकंड बुक में एक स्पेशल चैप्टर ही बन गया पॉपुलेशन कंपोजिशन को लेकर के। मींस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, होगा क्या जैसे ही हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे डेंसिटी पढ़ेंगे, डेंसिटी का फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के रेस्पेक्ट में किस क्षेत्र में ज़्यादा पॉपुलेशन है किस क्षेत्र में कम डेंसिटी होगा, जब ये सब चीज़ें बेटा हम पढ़ लेंगे तो हमसे क्या होगा जब हम बल्ड में आएंगे तो बस कंसेप्ट स्विच करवा देंगे। मीन्स कंसेप्ट हम क्या करेंगे दोनों को कनेक्ट करवा देंगे एंड जैसा कि मैं बताया पॉपुलेशन कंपोजिशन भी हमारा चैप्टर हो जाएगा। मीन्स हम एनसीईआरटी भी यूनिट वाइज पढ़ेंगे, मीन्स फर्स्ट यूनिट जैसे ही हम एक यूनिट खत्म किए तो हमारे पास हाथ में क्या हो जाएगा बेटा थ्री चैप्टर्स, तीन चैप्टर्स मेरे हाथ में हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी शुरुआत करेंगे। अगेन हम चलते हैं, जैसे हमारे बुक का अभी तक टोटल बता चुका 22 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स बुक टू, 10 चैप्टर्स बुक वन, तीन चैप्टर हम लोग एक यूनिट पढ़ते खत्म, एक कंसेप्ट में तीन चैप्टर आपके पास हाथ में आ जाएगा। फिर जैसे कहीं हम चलेंगे तो हम जैसे आगे देखेंगे तो आप फिर चलोगे, आप चलोगे बुक सेकेंड पे, बुक सेकेंड का जैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे चैप्टर सेकेंड, तो चैप्टर सेकेंड आप देखना नाम होगा माइग्रेशन से रिलेटेड चैप्टर विथ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। और जैसे ही हम माइग्रेशन देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा माइग्रेशन का टाइप्स काउजेज एंड कंजिक्वेंसेज। इसी के बाद हम लोग पढ़ लेंगे चैप्टर थ्री। चैप्टर थ्री बेटा क्या होगा नाम आप अपने बुक में मैच कर सकते हो। चैप्टर थ्री क्या होगा, चैप्टर थ्री है आपके पास ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो ध्यान से ह्यूमन डेवलपमेंट। अब बेटा बुक टू का चैप्टर थ्री ह्यूमन डेवलपमेंट हम इसको लिंक कर लेंगे बुक वन का भी चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट से, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो बेटा ये होगा इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन डेवलपमेंट। हम देखेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस या आफ्टर एलपीजी डेवलपमेंट हुई या ग्रोथ, उसी को हम लोग टर्म दे देते हैं जॉबलेस ग्रोथ। अब देख लेंगे फिर हम एट द सेम टाइम बल्ड के रिस्पेक्ट में हम लोग देख लेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट, वहीं से आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया यूएनडीपी द्वारा दिया गया, एंड अगेन आएगा हंगर पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये दो इंडेक्स भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर लेटेस्ट रैंकिंग भी डिस्कशन कर लेंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी विथ यूनिक वेज, मीन्स एनसीईआरटी के साथ साथ आपको करेंट को लिंक कैसे करना है वो मैं बता दूंगा। तो जैसे ही हम इसके चैप्टर थ्री का ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे इसमें चैप्टर फोर हो जाएगा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, मीन्स अगला यूनिट हम जैसे ही देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट ये दोनों कंसेप्ट मेरे पास आ जाएगा। ऑलमोस्ट हाफ एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा ट्वेल्थ क्लास में, क्रक्स ही यही होता है। फिर एक यूनिट हम लोग लेकर के चलेंगे, इसके बाद देखते हैं बेटा हम लोग जैसे ही नेक्स्ट यूनिट हम ध्यान देंगे तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे चैप्टर फाइव इंडियन का एंड चैप्टर सिक्स। ये होगा आपके पास क्या चैप्टर फाइव, आप लोग नाम सामने रखो बुक का और देखते चलना। चैप्टर फाइव होगा लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं लैंड रिसोर्स। और जैसा कि आपको पता होगा लैंड रिसोर्स का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है एग्रीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या हो जाएगा बेटा एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम लोग जब आएंगे नेक्स्ट चैप्टर तो वाटर रिसोर्स। बेटा जैसा कि देखो बुक सेकंड इंडिया के रिस्पेक्ट में लैंड रिसोर्सेज का बात करेंगे, हमारे देश में लैंड को कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है, क्या क्या कैसे हम लोग एज ए रिसोर्स यूज करते हैं, एंड एग्रीकल्चर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर देखेंगे, उसके बाद सीधे वाटर रिसोर्स पे हम लोग आ जाएंगे। अब देखो ये ध्यान से देखना, यदि लैंड और वाटर को आप लिंक कर दोगे तो क्या आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड कोई बात होगी, प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड कोई बात हो जाएगी, तो दिमाग पे इतना स्ट्रेस क्यों लेना। जब हम लैंड और वाटर पढ़ ही रहे हैं तो उसके साथ लिंक करके हम लोग नेक्स्ट यूनिट समझ लेंगे और क्या करेंगे
प्राइमरी एक्टिविटीज पढ़ लेंगे, और प्राइमरी एक्टिविटीज आपके बल्ड वाली बुक में मीन्स बुक सेकंड में क्या आ जाएगा आप देख लो, प्राइमरी एक्टिविटी चैप्टर 5 आ जाएगा। चैप्टर 5 मीन्स हम लोग सेकंड बुक का चैप्टर 5-6 एंड फर्स्ट बुक का चैप्टर 5, तीन हम लोग बेटा एक साथ कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, जिससे हमारा प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड फिर आपका कोई भी एग्जाम दो या फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप बोर्ड एग्जाम भी दो, आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जब बेटा हम लैंड वाटर देख लिए थे इंडिया वाली बुक में, तो नेक्स्ट हम चलेंगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, चैप्टर 7 क्या नाम है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब मिनरल और एनर्जी की बात हो गई तो ऐसा नहीं लग रहा मिनरल जहां जहां भी होगा आप पूरे वर्ल्ड या इंडिया में मिनरल का जो जो वेल्थ होगा देखना बेटा, फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां इजी हो जाएगा। तो आगे चल के हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यहीं पे देख लेंगे, कौन सा चैप्टर, चैप्टर 8 देख लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखेंगे, इंडस्ट्री डेवलपमेंट का कोर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किस लेवल पे वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में भी है। और जब ये देख लेंगे तो ध्यान से देखना, आप लोग थोड़ी सी भी जीएस जानते हो गए या नहीं भी जानते हो तो मैं डिटेल बताऊंगा। प्राइमरी एक्टिविटीज जो मेनली नेचर से रिलेटेड होता था जो हमने देखे इसके पहले वाले यूनिट में, लैंड और वाटर पढ़ेंगे तो प्राइमरी पढ़ लेंगे। सेकेंडरी एक्टिविटीज बेटा जो गुड्स होगा वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा, मीन्स सेकेंडरी एक्टिविटी में हम लोग फाइनल प्रोडक्ट्स या गुड्स की बात करते हैं। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फाइनल गुड्स देगी हमें हमारे पास, तो जब इसके बाद हम पढ़ेंगे तो बुक फर्स्ट का हम लोग दो चैप्टर से ही भी पढ़ लेंगे, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 2। नाम क्या होगा बेटा, सेकेंडरी एक्टिविटीज एट द सेम टाइम टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। क्या हो जाएगा, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटी। एक्टिविटीज एक यूनिट और हम लोग कितना आसानी से पढ़ लिए ये आप देख लेना, कि मैं बताया जैसे जहां जहां मिनरल्स होंगे और एनर्जी रिसोर्स होंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो अपने आप होने लगेगा, ठीक है। और जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा बेटा तो इस प्रोसेस को हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज ही बोलेंगे। तो यहीं पे हम लोग क्यों ना सेकेंडरी एक्टिविटीज कर लिए, और जब सेकेंडरी एक्टिविटीज फाइनल गुड्स तैयार हो गया तो इसे सर्विस देने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जैसे आज जोमेटो स्विगी आप सुनते हो गए फ्लिपकार्ट, तो सर्विस सेक्टर का जरूरत पड़ेगा। तो इसके बाद जस्ट हम लोग पढ़ने के सर्विस सेक्टर या सर्विस सेक्टर का ही पार्ट आ जाएगा, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटी। एक एक्टिविटी और बताऊंगा क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, वो क्या होता है हम लोग डिटेल देखेंगे। आज हम लोग सिलेबस का ओवरव्यू देख रहे हैं इसलिए डिटेल हम लोग देखेंगे। एक यूनिट बेटा हम यहीं खत्म कर लिए तो हमारे पास एक और बड़ा यूनिट खत्म हो जाएगा जो कंपटीटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट एंड मेंस में आंसर राइटिंग भी काम आएगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, एक यूनिट जो हम लोग को छूटा जा रहा था जो बोलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर 4 देखना, इंडियन में ह्यूमन सेटलमेंट एंड देखना खूबसूरती। लास्ट चैप्टर आप अपने बुक का देख लो, जब भी आप ह्यूमन सेटलमेंट देखोगे तो चैप्टर 10 के साथ मैं लिंक करूंगा वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, जिसका भी नाम है ह्यूमन सेटलमेंट। मींस बर्डन तो लगेगा, दो चैप्टर है हमारे बुक में लेकिन हम लिंक कर रहे हैं कंसेप्ट को, तो क्या हो जाएगा एक ही कंसेप्ट। सेटलमेंट का डिफिनेशन बेटा जो इंडिया के लिए होगा वर्ल्ड के लिए भी होगा, बस पैटर्न थोड़ा चेंज करेगा। देखेंगे हम लोग कि इंडिया में लोग सेटलमेंट क्लस्टर सेटलमेंट कहां मिलता है, डिस्पर्स्ड कहां मिलता है तो क्यों मिलता है, रीजन क्यों है, ये सब चीजें हम लोग आएंगे डिटेल देखेंगे वन बाय वन। तो एक यूनिट हम लोग लेंगे, एक साथ दो चैप्टर खत्म, एक इंडिया का एक वर्ल्ड का। इसीलिए जब भी मैं क्लासेस लूंगा आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा मैक्सिमम टाइम दोनों बुक आप साथ रखें, प्लस मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दूंगा तो नोटबुक भी साथ रखूंगा आपको रखने बोलूंगा, जिससे आप एक्स्ट्रा चीजें या तो बुक पे राइट डाउन कर लो या नोटबुक पे कर लो।
प्लस में। नेक्स्ट देखते हैं चीजें क्या होगी जब हम लोग यहां पे पहुंच गए बेटा, तो नेक्स्ट चलेंगे प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बुक टू चैप्टर 9। क्या हो जाएगा? प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्लानिंग क्या है एंड डेवलपमेंट क्या है, एंड आफ्टर दैट डेवलपमेंट तो हो ही रहा था, फिर सस्टेनेबल की क्यों बातें आई, या देखेंगे कि क्या प्लानिंग का कंसेप्ट हमारे देश में एग्जिस्ट कब से करेगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लानिंग मेनली सोशलिस्ट इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, तो देखेंगे कि क्या प्री इंडिपेंडेंस के पहले भी कोई बात था क्या, या प्लानिंग कमीशन जब स्टार्ट हुआ तब से बातें आई थी, और उसके बाद देखेंगे प्लानिंग तो बन ही रहा था तो हम लोग अच्छे से डेवलप कर रहे होंगे, तो फिर सस्टेनेबल की बात क्यों आने पड़ा। और आजकल किसी से भी पूछो कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड यूज कर देगा, तो आखिरकार इतना ज़्यादा समस्या क्यों आने लगा। ये सब चीज़ें डिटेल हम लोग देखेंगे, और एक चैप्टर पूरा इंडियन इकोनॉमी में है इसलिए इसे देखेंगे, और प्लस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आज करेंट इशूज ही होता है, हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, ये देखेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग चैप्टर 10। चैप्टर 10 बेटा इंडिया का ही मीन्स बुक 2 का ही, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। क्या हो जाए बेटा? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। इसमें देखेंगे कि क्या दोनों एक चीज है, या ट्रांसपोर्ट किसे बोलते हैं, कम्युनिकेशन किसे बोलते हैं। इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर 10, एंड एट द सेम टाइम चैप्टर 8 बेटा सेम नाम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, किसके रिस्पेक्ट में देख लेंगे, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हम लोग देख लेंगे। तो जब एक ही साथ देख लेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी, बस डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। ओरिएंट एक्सप्रेस किसे बोलते हैं, ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन क्या है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन क्या है, ये हम लोग वर्ल्ड वाले में देख लेंगे, इंडियन वाले में देख लेंगे। नेशनल अथॉरिटी ऑफ हाईवे है तो क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत वो काम करेगा, आज हमारे मिनिस्टर्स कौन है, भारत जोड़ो को सागर माला के साथ हम लोग लिंक करेंगे, तो ये चीज़ें हम लोग एक साथ देखेंगे चैप्टर 10 एंड चैप्टर 8। नेक्स्ट हम देख लेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखना चैप्टर 11 इंडिया में है, क्या नाम है, इंटरनेशनल ट्रेड। एट द सेम टाइम इस बुक में आप देखोगे चैप्टर 9, नाम भी सेम, चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड। यहीं पे हम WTO के साथ लिंक करके आपको बताएंगे इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली हो सके इसमें WTO का क्या रोल है, या वहीं पे हम लोग एक डिबेट कर लेंगे कि क्या WTO आज भी प्रासंगिक है, या उसमें कुछ चेंज आए, चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे चैप्टर 12 होगा, नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, एंड बुक सेकंड का लास्ट चैप्टर होगा बेटा क्या, चैप्टर 12 जो सिलेक्टेड इशू बताएगा, आसान सा चैप्टर है चैप्टर 12। सिलेक्टेड इशू जैसे वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, और ये सब है तो क्यों है, या इसको रिमेडीज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आज तक हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया। अब देखो अब हम लोग आएंगे बुक फर्स्ट का चैप्टर 1 पे, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा सर क्या कर रहे हो, सारे बुक पढ़ा दिए लास्ट में इंट्रोडक्शन, तो बेटा इंट्रोडक्शन उसमें डिफिनेशन जैसा है वो मैं बताऊँ, नाम से ही जैसा होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, नेचर एंड स्कोप। लास्ट में हमको देखें कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं, एक दो आएंगे ऐसे लोग जिनका नाम याद करना पड़े, यहाँ से MCQ बनते हैं और एक दो डिफरेंसेस बनते हैं, वो देख लेंगे हम लोग, वो घबराने वाली बात नहीं कि फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसी कंसेप्ट, इसी जो मिसकंसेप्शन है उसे दूर करने के लिए मैं आया हूँ, और एक डिटेल स्ट्रेटजी के साथ आया हूँ कि कौन सा चैप्टर किसके साथ लिंक होगा, और उस लिंक करने के बाद मैं इसे पढ़ाऊंगा, तो स्टैटिक को करंट के साथ लिंक भी करके बताऊंगा, और जब पढ़ाते पढ़ाते मेरा जो कंसेप्ट होगा बेटा डिटेल चैप्टर का थ्योरी करने के बाद,
इस चैप्टर का डिटेल नॉलेज करने के बाद साथ में मैं हर एक चैप्टर से मिनिमम 20 to 30 एमसीक्यू आपको बता दूंगा। मिनिमम 20 to 30 क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। हर एक चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसे ट्राई करूंगा मैं पीडीएफ के हेल्प से मैं आपको बता दूं। एंड आफ्टर दैट हर एक चैप्टर्स का साथ साथ 6 to 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उस चैप्टर में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसका डिटेल एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस हम करेंगे, जो एनालिसिस कहाँ कहाँ काम आएगा मैं बताऊँ, जो हमारे दोस्त बोर्ड का एग्जाम भी देंगे उनके लिए भी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि आप न्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जब आंसर लिखोगे तो एक मास से आप क्लास दिखोगे, और जब सामने वाला कोई भी कॉपी इवोल्यूएट करेगा, चेक करेगा, तो उसे क्या होगा, आपका ज़्यादा नंबर देगा। और इतने एक्सपीरियंस है मेरे पास, प्रीवियस ईयर से हमारे स्टूडेंट्स 100 out of 100 भी लेकर के आए हैं ज्योग्राफी में। तो जब यहाँ से हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे तो एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग कंसेप्ट में पढ़ेंगे उसका पहले हम लोग कुछ एमसीक्यू देख लेंगे। एमसीक्यू देखने का फायदा होगा कि जितने भी आप एग्जाम्स दोगे प्लस सीयूईटी, जो लोगों का सरदर्द बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या पैटर्न होता है क्या होता है, इसका भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्लस हम लोग फ्यूचर में क्या गेस कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकता है, सो हम देख लेंगे, उसका टेंशन खत्म। एंड डिटेल एनालिसिस कर लेने से जितने भी हम लोग लिखने का पॉइंट्स आपके पास आ जाएगा, सोचने का क्षमता बढ़ जाएगा, थिंकिंग कैपेबिलिटी जैसे ही बढ़ेगा तो बाकी चैप्टर्स भी आसान हो जाएगा। और बीच बीच में हम क्या करेंगे, इसी चैनल पे मैं जब जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्स आएंगे, जो भी स्टूडेंट्स का डिमांड होगा, आपका हेल्प करने का जो भी होगा मैं हेल्प कर दूंगा, आप बताना। तो कुछ कुछ टॉपिक्स ले लेंगे या कोई सब्जेक्ट भी स्पेसिफिक ले लेंगे साइड साइड में, ये चलते रहेगा साइड साइड में, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट मैं आपको पहुंचा सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर न्यू क्लास में, थैंक यू।